वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। CNTL की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ब्रिज टी एटेन्यूएटर के बारे में। ओके, ये एक सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर है। ये जो अपने को स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर क्या है? एक प्रॉपरली टर्मिनेटेड ब्रिज टी एटेन्यूएटर है। ओके, देखिए पोर्ट टू को टर्मिनेट किया गया है किससे? आर नॉट से। आर नॉट क्या होता है अपना? आर नॉट होता है आपका करेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस। ओके, और इसको डिजाइन इंपीडेंस भी बोला जाता है। और अगर पोर्ट वन की बात करूं तो पोर्ट वन की तरफ देखिए एक वोल्टेज सोर्स लगाया गया है ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर नॉट। ओके, इतना क्लियर है। और इस ब्रिज टी एटेन्यूएटर में ये इनपुट करंट कौन सा है? इंटरिंग करंट है IS, और लीविंग करंट कौन सा है? IR। ओके, इतना जो है ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? अपना ब्रिज टी एटेन्यूएटर। सो इसमें एंट्रिंग करंट क्या है? IS, और लीविंग करंट क्या है? IR। सो एटेन्यूएशन n इज इक्वल टू क्या होता है? IS अपॉन IR, ये बात याद रखिएगा। ओके, और ये इक्वल टू होता है e टू द पावर अल्फा भी होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ओके, जहां पे ये n क्या होता है? एटेन्यूएशन इन नेपर। सो हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? आर नॉट फाइंड आउट करना है। ओके, एन फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? आर टू और आर थ्री फाइंड आउट करना है। आर टू और आर थ्री किसके टर्म्स में? इन द टर्म्स ऑफ एन एंड आर नॉट। ओके, इन दोनों के टर्म्स में आर टू और आर थ्री क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? एन और आर नॉट दिया रहेगा, और बोलेगा क्या कि आप ब्रिज टी एटेन्यूएटर डिजाइन करें। तो उस केस में आपको R2 और R3 निकालने की जरूरत पड़ेगी, है ना? R2 और R3 अननोन रह जाएगा ना, तो ये दोनों निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी उस समय। अब देखिए, ये तो था ब्रिज टी एटेन्यूएटर। अगर हम एक सिंपल ब्रिज टी नेटवर्क देखें, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्रिज टी नेटवर्क देखते हैं। ये अपना क्या है? ब्रिज टी नेटवर्क है, हम जानते हैं। ओके, और हम इसमें कौन सा केस देखें? जब हमने जेड वन बाय टू को क्या रख दिया था? जेड नॉट रख दिया था, वो वाला केस। मींस ये जो जेड वन बाय टू है वो क्या है? इक्वल टू जेड नॉट, और ये जेड वन बाय टू ये भी क्या है? इक्वल टू जेड नॉट। मींस ये जेड नॉट हो गया और ये जेड नॉट हो गया। ये वाला केस जब हम देखें तो दोनों सर्किट को कंपेयर कीजिए। दोनों सर्किट क्या है? अपने सिमिलर दिख रहे हैं आपको, दोनों सर्किट सिमिलर दिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है अपना? जेड नॉट, जेड नॉट मीन्स करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ जेड टू जेड थ्री। ओके, और इसमें प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा क्या होता है? इस केस में गामा इज इक्वल टू होता है एल एन वन प्लस जेड थ्री बाय जेड नॉट इक्वल टू एल एन वन प्लस जेड नॉट बाय जेड टू। ओके, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब चलिए ब्रिज टी एटेन्यूएटर का एनालिसिस करते हैं, उसमें ये दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सो ब्रिज टी एटेन्यूएटर के केस में क्या करना है हमें? इन ब्रिज टी एटेन्यूएटर ओके, इस केस में क्या करना है हमें? ये जो अपने दो इक्वेशन आए थे जेड नॉट वाले, तो जेड नॉट जहां पे भी है वहां पे आर नॉट पुट कीजिए। ओके, जहां पे भी जेड थ्री है वहां पे आर थ्री पुट कीजिए, और जहां पे आपको जेड टू दिख रहा है वहां पे आर टू पुट कीजिए, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, लेकिन एटेन्यूएटर के केस में बीटा क्या होता है? जीरो,
तो जहां पे भी गामा दिख रहा है वहां क्या पुट कीजिए, अल्फा पुट कीजिए। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे दो इक्वेशन कौन कौन से आए थे, जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड थ्री जेड टू, ये था ना। सो जेड नॉट की जगह क्या पुट करना है, आर नॉट। तो आर नॉट इक्वल टू यहां से क्या निकल गया, आर नॉट इक्वल टू जेड थ्री की जगह आर थ्री और जेड टू की जगह आर टू। आर नॉट इक्वल टू क्या निकल गया, आर टू आर थ्री, अंडर रूट ऑफ आर टू आर थ्री, ये इक्वेशन नंबर वन। यहां से हमने आर नॉट निकाल लिया। अब देखिए, और हमने क्या देखा था कि गामा इक्वल टू क्या आया था, एल एन वन प्लस जेड थ्री डिवाइड बाय जेड नॉट, ओके। दिस इज इक्वल टू एल एन वन प्लस जेड नॉट डिवाइड बाय जेड टू, ये आया था। अब फिर से वही पुट कर दीजिए। देखिए गामा के जगह क्या रखना है हमें, अल्फा, मालूम है एटेन्यूएटर के केस में। तो यहां पे मैंने अल्फा रख दिया, अल्फा इज इक्वल टू एल एन वन प्लस जेड थ्री की जगह क्या रखना है, आर थ्री। तो आर थ्री बाय जेड नॉट की जगह क्या रखना है, आर नॉट। दिस इज इक्वल टू एल एन वन प्लस जेड नॉट की जगह क्या रखना है, आर नॉट, और जेड टू की जगह क्या रखना है, आर टू। ये बना। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस आर थ्री बाय आर नॉट, और क्या आ जाएगा, इक्वल टू वन प्लस आर नॉट बाय आर टू, ये आ गया। और मैंने देखा था स्टार्टिंग में e टू द पावर अल्फा क्या होता है, यही तो होता है अपना n, n मीन्स एटेन्यूएशन इन नेपर, ओके। सो यहां से n बराबर दो चीजें आई, n बराबर एक जगह आया वन प्लस आर थ्री बाय आर नॉट, ओके, और एक n इक्वल टू क्या हो गया, वन प्लस आर नॉट बाय आर टू, ये दो चीजें आई। ये n क्या होता है, एटेन्यूएशन, ओके। सो n इक्वल टू दिस एंड n इक्वल टू दिस, ये दोनों चीजें आ गई। सो यहां से देखिए क्या होगा, n आर नॉट बराबर आर नॉट प्लस आर थ्री, इधर ये आ गया। सो इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, आर नॉट एन माइनस वन इज इक्वल टू आर थ्री, ओके। सो यहां से आर थ्री मैंने क्या निकाल लिया, आर नॉट एन माइनस वन। सो ये इक्वेशन नंबर टू नाम दे दीजिए इसका, ओके। तो मैंने आर थ्री निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, आर टू निकालना बाकी है। तो यहां पे इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, एन आर टू इज इक्वल टू आर टू प्लस आर नॉट, ओके। सो आर टू इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू आर नॉट हो गया। सो यहां से आर टू बराबर क्या आ गया, आर नॉट डिवाइड बाय एन माइनस वन। देखिए एन आर टू इधर आएगा, ये माइनस आर टू, आर टू कॉमन लिया था, एन माइनस वन अंदर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर थ्री, ओके, इज इट क्लियर। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, हमने यहां से निकाल लिया आर टू एन आर थ्री, ओके। सो इसको आर टू एन आर थ्री को क्या बोलेंगे, मीन्स ये जो इक्वेशन नंबर टू आया और इक्वेशन नंबर थ्री आया, ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे डिजाइन इक्वेशन ऑफ ब्रिज टी एटेन्यूएटर, ओके। इतना क्लियर है आई होप आपको। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एटेन्यूएशन गिवन होगा, और सेकेंड थिंग क्या गिवन रहेगी, आर नॉट की वैल्यू। आर नॉट को क्वेश्चन में डिजाइन इम्पीडेंस से भी दिया जाता है या फिर करेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस करके भी दिया जाता है, ठीक है। सो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोस ऑफ सीएनटीएल।